वेलकम माय डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आए हैं एक कोरियन लव स्टोरी। 10th क्लास में पढ़ने वाली एक नाबालिग लड़की की शादी उससे उम्र में बड़े एक रिश्तेदार से करा दी जाती है। लड़की इस शादी से खुश नहीं है और उसे अपने स्कूल के एक लड़के पर क्रश भी है। शादी के बाद इस लड़की के साथ क्या हुआ, क्या वो अपने हस्बैंड के साथ खुश रह पाई, यही सब जरा क्यूट तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, जिसका नाम है माई लिटिल ब्राइड। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में मूवी के हीरो सैम को दिखाते हैं, जो एक सोल्जर है और छुट्टी लेकर अपनी फैमिली से मिलने जा रहा है। वो एक छोटी लड़की की फोटो को देखकर हंसने लगता है। फ्लाइट में उसके पास एक लड़की बैठी होती है और वो उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की तो सैम को इग्नोर ही कर देती है। अब फ्लाइट के लैंड होने के बाद भी सैम उसका पीछा नहीं छोड़ता, पर वो एयरपोर्ट में एक आदमी के गले लग जाती है। तब सैम को पता चलता है कि ओह, इसकी तो शादी हो रखी है, चलो कहीं और अपना लक ट्राई करता हूँ। ये सोचकर सैम दूसरी लड़की के पास जाकर अपनी चाबी उसके पास रख कर चला जाता है। ये क्या, वो तो चाबी को लात मार कर डांटती है कि ओए रोड रोमियो, तेरी दाल यहाँ नहीं गलेगी। अरे ये तो पहचानी पहचानी सी आवाज लग रही है। ये सोचकर सैम मुड़ता है तो देखता है कि ये लड़की कोई और नहीं, उसकी वही रिश्तेदार है जिसकी फोटो को देखकर सैम हंस रहा था। इस लड़की का नाम रिया है। दोनों कई साल बाद मिल रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हुए वहाँ से निकल कर घर पहुँच जाते हैं। वहाँ सैम और रिया की फैमिलीज होती है। दोनों फिर सीधे अपने दादाजी से मिलने जाते हैं। दादा उनका हालचाल पूछकर कहते हैं कि एक महीने में तुम दोनों की शादी होगी। दोनों चौंककर पूछते हैं कि हमारी शादी किससे करवाना चाहते हैं आप। अबे गधो, तुम दोनों की एक दूसरे से शादी करवाने जा रहा हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मरने से पहले मैं तुम दोनों की शादी करवा देना चाहता हूँ। यार, इन दादा दादियों का ना यही काम है, जब देखो नाबालिग बच्चों की शादी शादी शादी। वैसे आपका क्या ख्याल है दोस्तों, कॉमेंट से बता दीजिएगा। रिया कहती है, मैं सिर्फ 15 साल की हूँ दादाजी, शादी और वो भी इसके साथ, कभी नहीं। इस तरह एक पुराने एड की तरह रिया उठ कर चली जाती है। सैम जरा शांत होकर कहता है कि दादाजी मुझे ये शादी नहीं करनी, आप भी इस बारे में भूल जाइए। रिया सैम से मुंह मोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये शादी की बात इसी ने शुरू करवाई है। रिया तो अपने स्कूल में एक लड़के से प्यार करती है जिसका नाम है जेंगो। वैसे स्कूल की लगभग सभी लड़कियां इससे प्यार करती हैं। रिया बस किसी तरह जेंगो का दिल जीतना चाहती है। अब दादाजी सैम के पापा को कॉल करके डांटते हैं कि तेरा बेटा शादी क्यों नहीं करेगा, तो उसे समझा और कैसे भी करके राजी करवा। अब पापा को अपने बेटे से बात करने में तो डर लगता है, तो एक बेसबॉल बैट उठाकर वो जाते हैं और कार का शीशा तोड़ने लग जाते हैं कि मान जा शादी के लिए मान जा। सैम की माँ कहती है कि बेटा तू मान ही जा, वरना तेरे पूज्य पिताजी न जाने घर की क्या क्या चीजें तोड़ेंगे। अगर आपके भी पापा ऐसे हैं दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए। सैम अब रिया के स्कूल में जाता है, जहाँ वो अपनी फ्रेंड जिसको के साथ होता है, हाँ जिसको नाम है उसका। सैम दोनों को एक रेस्टोरेंट में लेके जाता है और रिया से पूछता है, क्यों ना हम दादाजी का दिल रखने के लिए शादी कर लें। ये सुनकर तो जिया चौंक जाती है। सैम कहता है, देखो रिया, दादाजी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अब फैमिली की खुशी के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। फिर कोई रास्ता ना पाकर रिया भी हाँ कर देती है। वो जिसको से कहता है कि ये बात हमारे अलावा स्कूल में और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, जिसको भी कह देती है हाँ मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। तभी रिया को कॉल आता है और दोनों घबराकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ दादाजी बहुत ही सीरियस कंडीशन में पड़े होते हैं। दोनों रोते हैं कि दादाजी प्लीज हमें छोड़कर मत जाइए, हम दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं। दादाजी तुरंत आंख खोल देते हैं। वैसे ये इतने सीरियस भी नहीं थे, सिर्फ इन्हें मनवाने के लिए ऐसी एक्टिंग कर रहे थे। फिर क्या था, अगले ही दिन सैम और रिया की हो जाती है शादी। उनके घर वाले दोनों को हनीमून भेजते हैं। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले रिया कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, अर्जेंट है। सैम डांटता है कि इतनी देर तो तुम ठीक थी, अभी अचानक से क्या हो गया तुम्हें, ठीक है जाओ और जल्दी लौट कर आ जाओ वरना फ्लाइट छूट जाएगी। ये कहकर वो फ्लाइट बोर्ड कर लेता है। बहुत देर बाद भी जब रिया नहीं आती तो सैम परेशान हो जाता है कि गई कहां, पर इतने में फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है। यार रिया आराम से अपना खाना खत्म करके आती है, तो फ्लाइट तो उड़ चुकी थी, अब वो एयरपोर्ट में क्या खाक करती, इसलिए वो अपने स्कूल चली जाती है। तब जेंगो उससे बात करता है और अपनी रिया के पैर तो जमीन पर ही नहीं होते, इतने खुश होती है वो। दरअसल जेंगो भी रिया को पसंद करता है। बस फिर क्या था, दोनों हंसते खेलते एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। तभी जेंगो रिया का हाथ पकड़ता है, तो रिया जरा नर्वस होती है लेकिन वो खुश भी होती है। रिया छोटी लड़की है तो बहुत ही सीरियसली नहीं सोचती कि मेरी शादी तो हो चुकी है और जेंगो के लिए मेरी फीलिंग्स ठीक नहीं है, पर क्या करें। दूसरी ओर जेंगो भी नहीं जानता कि रिया की शादी हो चुकी है। बहुत देर बात करने के बाद जेंगो घर चला जाता है। रिया भी घर नहीं जा सकती क्योंकि उसके घर वाले ने तो उसे और सैम को हनीमून के लिए भेजा है। वो अपने घर के आगे खड़ी रहती है, तभी सैम वहाँ पर आ जाता है। दरअसल वो अगली फ्लाइट पकड़कर वापस लौट आया है। वो कहता है कि अब ऐसे जाएंगे तो सभी को शक होगा। ये कहकर दोनों अपना ट्रेडिशनल ड्रेस चेंज करके घर आ जाते हैं, जैसे कि उनका हनीमून सफल रहा। डिनर के बाद रिया को नींद आती है तो सैम उसे उठाकर कमरे में लेके जाता है। घर वाले इन्हें एक नया घर भी दिलाते हैं, लेकिन कहते हैं अगले 5 साल के लिए तुम दोनों के बीच कोई अदला बदली नहीं होनी चाहिए, समझे। अब रात को रिया पढ़ रही होती है तो सैम उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करता है, पर
रिया उसके सर पर पेंसिल ही घुसा देती है और उसके सर से खून निकलने लग जाता है। वो रोने लगता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, मार डाला इसने मुझे। अगले दिन सैम रिया के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर देता है। अब आई तुम्हें अक्ल, ये कहकर रिया ब्रेकफास्ट खाकर स्कूल चली जाती है। वहाँ वो जिस्को को बताती है कि जेंगो मुझसे प्यार करता है, पर ये सुनकर जिस्को दुखी हो जाती है क्योंकि वो खुद जेंगो से प्यार करती है। वहाँ सैम अपने फ्रेंड्स के साथ पब में होता है और कुछ ज्यादा ही रौब जमाता है कि मेरी वाइफ मेरे पैरों के नीचे रहती है, पैरों के नीचे, वो मेरी हर बात मानती है। ये कहकर वो रिया को कॉल करके अकड़कर कहता है, मैं पब में हूँ, ठीक है अभी इसी वक्त यहाँ जाओ वरना बहुत बुरा होगा। रिया भी वहाँ पर जाती है और पार्टी के बाद सभी घर लौट जाते हैं। अगले दिन स्कूल में एक राउडी गैंग रिया को घेर लेता है और कहते हैं कि तुम जेंगो को छोड़ दो, वो हमारी प्रॉपर्टी है। पर इतने में जेंगो आकर कहता है कि रिया को परेशान मत करो, मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो लड़कियां चलकर राख हो जाती है। रिया बहुत ज्यादा खुश होती है। स्कूल के बाद रिया घर जाती है और फिर सैम और रिया शॉपिंग करने जाते हैं। वहाँ कुछ खरीदने के बजाय दोनों ट्रॉली पर खेलने लग जाते हैं और तभी रिया नीचे गिर जाती है, उसके पैर में काफी चोट भी आती है। सैम उसे उठाकर घर ले आता है और दोनों खाना बनाकर खाते हैं। अगले दिन जेंगो का बेसबॉल मैच होता है जिसे देखने रिया भी जाती है और जेंगो को काफी एनकरेज करती है। उस मैच को टीवी पर भी टेलीकास्ट किया जाता है जिसे सैम देख रहा होता है। अब वो परेशान हो जाता है कि ये जेंगो के लिए इतना चिल्ला क्यों रही है। वो रिया के कमरे में जाकर देखता है तो वहाँ जेंगो और रिया के फोटोज होते हैं। उन्हें देखकर वो बहुत दुखी भी होता है। मैच के बाद रिया घर लौटती है तो सैम पूछता है कि तुम कहाँ गई थी। रिया झूठ बोलती है कि मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। सच जानते हुए भी सैम उसे कुछ नहीं कहता। अब अगले दिन स्कूल में जिसको रिया को बता ही देती है कि मैं भी जेंगो से प्यार करती हूँ। और ये सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता है क्योंकि जेंगो तो रिया से प्यार करता है ना। अगले दिन सैम रिया को स्कूल ड्रॉप करने आता है। वो रिया से कुछ कहना तो चाहता है पर इतने में वो कह देती है मुझे देर हो रही है और ये कहकर वो चली भी जाती है। उस दिन रिया की क्लास में एक नया ड्रॉइंग टीचर आता है, वो और कोई नहीं सैम है जिसने यहाँ पर टेम्पररी ड्राइंग टीचर की नौकरी कर ली है। उसको देखकर जिसको रिया का मुंह खोला का खोला रह जाता है। रिया तो हक्की बक्की रह जाती है कि अब ये तो पूरे स्कूल में ढिंडोरा पिटवा देगा कि मेरी और इसकी शादी हो गई है। स्टाफ रूम में टीचर्स खड़े होते हैं। वहाँ किम नाम की टीचर सैम की ओर अट्रैक्ट होने लग जाती है। स्कूल के बाद घर जाते वक्त भी सैम के साथ वो चिपक जाती है लेकिन सैम उसे पसंद नहीं करता। सैम उससे पीछा छुड़ाकर रास्ते में उतर जाता है। घर पर रिया उसको खूब डांटती है कि मेरा ही स्कूल मिला तुम्हें टीचर बनने के लिए। सैम हंस पड़ता है। अगले दिन दोनों स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। क्लास में उसे पसीना आता है तो वो रुमाल समझकर इनरवेयर निकालकर मुंह साफ करने लगता है। अब इससे पहले कि कोई ये नोटिस करे रिया चिल्लाकर क्लास का ध्यान भटका देती है और तभी सैम उसे चुपचाप अंदर छिपा लेता है। क्लास के बाद जिसको सैम को वार्न करती है कि रिया जेंगो के साथ घूम रही है, आप उस पर नजर रखेगा। इतने में किम आकर सैम को लंच के लिए लेके जाती है और सैम को खिलाने की कोशिश करती है। ये सब देखकर यहाँ रिया को जलन होने लग जाती है। वो सैम को अकेले में जाकर कहती है कि इतना रोमियो बनते फिरते हो तो फिर मैं चुप नहीं रहूंगी। सैम कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें जलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। फिर वो ग्राउंड में जाता है जहाँ जेंगो बेसबॉल प्रैक्टिस कर रहा होता है। अच्छा तो तुम हो जेंगो, वो भी कह देता है कि हाँ सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तक तो नहीं बेटा लेकिन जल्द ही होने वाली है, ये कहकर सैम चला जाता है। लेकिन यहाँ किम उसका इंतजार कर रही होती है। सैम किसी तरह उससे नजर छिपाकर खिसक जाता है पर किम तो उसके घर पहुंच जाती है। अब इससे पहले कि वो रिया को देख ले दोनों मिलकर रिया की सारी चीजें छिपा देते हैं और रिया बालकनी में छिप जाती है। पर किम अंदर बालकनी में एक लड़की को देख लेती है पर रिया तो एक सफेद कपड़ा ओढ़कर वहां से भाग जाती है। किम चिढ़कर पूछती है कि ये लड़की कौन है तो सैम कहता है कि वो मेरी बहन है, जरा पागल है। अगले दिन सैम आर्मी ट्रेनिंग के लिए निकल जाता है। लंच टाइम में रिया अपने हाथ से खाना बनाकर वहां लेके जाती है। सैम के दोस्त भी खाना खाते हैं और रिया की खूब तारीफ भी करते हैं कि खाना तो लाजवाब बना है। फिर सभी बाप जाकर खूब मस्ती करते हैं। घर लौटते वक्त कुछ राउडीज इन्हें चिढ़ाने भी लगते हैं पर सैम जो कि सोल्जर है वो फाइट नहीं करता बल्कि रिया उन्हें पीटने लग जाती है। अगले सीन में सभी पुलिस स्टेशन में होते हैं। पुलिस ऑफिसर सैम से पूछता है कि ये छोटी लड़की कौन है तो सैम बताता है कि सर ये मेरी वाइफ है, पर वो विश्वास ही नहीं करता और रिया के स्कूल के प्रिंसिपल को बुला भेजता है। प्रिंसिपल आकर बताता है कि हाँ ये सच में हस्बैंड वाइफ है, तब जाकर पुलिस उन्हें छोड़ देती है। ये जानकर तो किम का मुंह लटक जाता है और वो इन दोनों से बदला लेने के लिए अगले ही दिन अनाउंस कर देती है कि हमारा स्कूल एक पेंटिंग कंपटीशन में भाग ले रहा है, उसके लिए एक बड़ी दीवार पर रिया को एक शानदार पेंटिंग बनानी होगी और ड्राइंग सर उसकी मदद करेंगे। अब सैम पूछता है कि वो इतनी बड़ी पेंटिंग कैसे बना पाएगी तो किम जो कि पहले से गुस्सा है वो कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, अब भुगतो। पर रिया इस बात से जरा भी परेशान नहीं होती और उस बड़ी दीवार पर धीरे धीरे ड्रॉइंग करने लग जाती है। सैम के कहने पर जिसको भी रिया की मदद करती है। फिर शाम को दोनों चले जाती है। उसके बाद सैम जाकर उस पेंटिंग को पूरी करता है।
अगले दिन रिया हैरान रह जाती है कि ये कैसे हुआ, ये इतनी अच्छी कैसे लग रही है। पर जिसको कहती है कि भगवान ने बना दी होगी, अब छोड़ो भी, चलो आगे की पेंटिंग करते हैं। जब दोनों वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ वही तीन राउडी गर्ल्स होती हैं, जो उनकी बातें सुनकर जान जाती हैं कि रिया और सैम की शादी हो चुकी है। घर पर सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी रिया का भाई एक वीडियो प्ले करता है जिसमें रिया जेंगो के साथ है। सभी एकदम शॉक हो जाते हैं। रिया रोती हुई बाहर भाग जाती है और जाकर पार्क में बैठती है। सैम भी उसके पीछे आ जाता है। सैम उसे शांत करता है और समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ बड़ों ने तुम्हारी शादी मुझसे करवा दी, आई एम सॉरी। फिर दोनों घर आते हैं तो जिसको रिया को कॉल करके बता देती है कि सैम ने तुम्हारी पेंटिंग पूरी करी थी, सैम ही था वो। रिया तुरंत जाकर सैम के ड्रेस को चेक करती है तो उसमें पेंट के दाग लगे होते हैं। तब रिया रियलाइज करती है कि सैम उसके लिए क्या क्या कर रहा है, लेकिन मैंने उसे ठीक से समझने की कोशिश तक नहीं की। अगले दिन रिया उठती है तो सैम घर पर नहीं होता। रिया उसके कमरे में जाकर देखती है तो उसमें सैम और रिया की बचपन की फोटोज का एक एल्बम होता है जो सैम ने संभाल कर रखा था। उसमें रिया का एक लेटर भी होता है जो कुछ साल पहले रिया ने सैम को लिखा था। आर्मी में जब सैम को अकेला महसूस होता था तब रिया का लेटर पढ़कर वो अपना अकेलापन दूर करता था। धीरे धीरे रिया सैम के प्यार को समझने लग जाती है और खुद भी उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन ड्राइंग कंपटीशन और आर्ट सेलिब्रेशन चल रहा होता है। रिया रेंगो से मिलती है और कहती है, अब से मैं तुमसे नहीं मिलूंगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये कहकर वो ऑडिटोरियम पहुंच जाती है जहाँ सैम सभी को रिया की इस पेंटिंग के बारे में बता रहा होता है। तभी वो राउडी गैंग की एक लड़की पूछती है कि सर, सुना है आपने एक नाबालिग लड़की से शादी की है। अब सैम इस बात को और छुपा नहीं पाता और पूरे स्कूल के सामने वो कह देता है, हाँ मेरी और रिया की शादी हो चुकी है, लेकिन ये हमारी मर्जी से नहीं हुई बल्कि बड़ों के कहने पर मजबूरी में की गई ये शादी। तभी रिया स्टेज पर आकर कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, अब मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। सैम उसे गले लगा लेता है और सारे स्टूडेंट्स उन्हें चीयर करते हैं, लेकिन गेम तो जलकर राख हो जाती है। यहाँ जेंगो जिसको के पास जाकर बैठता है और लगता है अब जिसको का रूट क्लियर हो चुका है, वो बहुत ज्यादा खुश होती है। सैम और रिया की फैमिली अब इनके रिश्ते को लेकर बहुत ही खुश है और एक प्यारी फैमिली फोटोशूट के साथ ये मूवी खत्म होती है। और दोस्तों, आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं ऐसी मजेदार लविंग मूवीज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।